फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है सैटरडे और आज का ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मसूर दाल की पकौड़ी और इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं मसूर की दाल की पकौड़ी कैसे बनाती हूँ। तो ये मसूर की दाल मैंने रात को पानी में भिगो कर रखी थी और इसको मैंने अच्छे से साफ कर कर मिक्सर जार में डालकर पीस लिया है। और इसके साथ ही मैंने एक प्याज और एक आलू को भी इस तरीके से छोटे छोटे पीस में कट किया है। और अभी मैं ये पिसी हुई दाल में से आधी दाल जो है दूसरे बाउल में निकालने वाली हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के लिए सिर्फ आलू की पकौड़ी बनाऊंगी और इनकी और मेरे लिए प्याज और आलू की पकौड़ी बनाऊंगी। बच्चे जो है प्याज नहीं काटते हैं, बच्चे बिल्कुल भी प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं। जो प्याज बड़े बड़े पीस में हम काटते हैं, तो मैं यहाँ पर ये आलू मिक्स कर पहले चेक कर रही हूँ कितने आलू इस दाल में हो जाएंगे या नहीं। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा ही आलू इस दाल में डाल दिया है और उसके बाद मैंने फिर से एक आलू कट किया था जो बाद में पकौड़ी बनाई थी उसके लिए। और इसको मैं पहले दाल में अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी और उसके साथ ही जो हमारे डेली वाले मसाले होते हैं उनको ऐड करूंगी, जैसे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और जितना भी बच्चे तीखा खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप मिर्च डालें, और उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाले कुछ भी अलग से ऐड नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो स्पून से मिक्स करें, चाहें तो हाथ से मिक्स करें, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए जिससे कि जो मसाले हैं पूरी दाल में अच्छे से मिल जाएं। तो यहाँ पर ये दाल रेडी है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पकौड़ियाँ बनाना। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई को पहले ही गैस पर गर्म करने के लिए रख दिया था और पकौड़ियाँ मैं बना रही हूँ यहाँ पर ये रिफाइंड ऑयल में, और दूसरी तरफ मैं पकौड़ियों के साथ बनाने वाली हूँ चाय। तो दूसरी तरफ चाय का पानी बॉयल हो रहा है और उसमें मैंने सब कुछ डाला हुआ है, चीनी, चाय की पत्ती, अदरक, इलायची। और इस तरीके से मैं हाथ से जो दाल का हमने मिक्सचर बनाकर तैयार किया है उसमें से हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लेते हुए कढ़ाई में डाल देंगे। आप चाहें तो स्पून से भी डाल सकती हैं, बट मुझे हाथ से इजी लगता है तो मैं इस तरीके से डाल रही हूँ। जितनी भी एक बार में पकौड़ियाँ बन सकती हैं तो मैंने दाल को इस तरीके से डाल दिया है और हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। और अभी हमें इन पकौड़ियों को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। लगभग 1 मिनट के बाद हम इन पकौड़ियों को एक करछी लेकर इस तरीके से धीरे से पलट देंगे, क्योंकि दाल जो होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और थोड़ा सा सेट होने में टाइम लेती है। तो आप उनको पकौड़ी को डालने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद इस तरीके से करछी से धीरे धीरे उलटते पलटते हुए इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लीजिए। तो ये पकौड़ियाँ सिककर तैयार हैं, इनको मैंने निकाल लिया है। और उसके बाद मैंने ये प्याज और आलू की भी पकौड़ी सिकने के लिए कढ़ाई में डाल दी हैं और उसके साथ ही मैंने इनको खाने के लिए सर्व भी कर दिए हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये चटनी वगैरह कुछ नहीं ली है और ये पकौड़ियाँ देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रही हैं, खाने में भी बहुत अच्छी बनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है सैटरडे और आज घर में सब लोग ही हैं। तो अभी जस्ट मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है और मैंने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया था ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद बस मैं यहाँ पर आकर बैठ गई हूँ और इधर ये काव्या ने अपना टेंट लगवा लिया है, ये मैडम मेरे, और हाँ किचन सेट लेकर अंदर बैठी हुई है अपने, और बैग भी, बैग, अच्छा अपने टेंट के, ऑफिस का बैग, ठीक, अपने टेंट के अंदर सब कुछ अपना सारा सामान रखकर बैठी हुई है। और कल नाइट से ही मेरे पीछे पड़ी हुई थी, रात को 11 बजे बोल रही थी मम्मी मेरा टेंट लगा दो, बेड के ऊपर टेंट लगाती हूँ, अभी सर्दी है तो मैं बेड के ऊपर लगाती हूँ, अदरवाइज जब गर्मियाँ होंगी तो फिर मैं नीचे भी लगा देती हूँ, लेकिन सर्दी की वजह से कि फिर ये टेंट में घंटों खेलने वाली है फिर ये नीचे ठंडाएगी इसलिए ऊपर इसका टेंट लगा हुआ है। और ये अपना पूरा डोर क्लोज कर कर अंदर बैठी हुई है कि मम्मा मुझे यहाँ साइड विंडो में से देखना, मुझसे कह रही मम्मी मुझे यहाँ से दिखा देना कि मैं अंदर क्या क्या कर रही हूँ बैठ के। हेलो काव्या, जरा अपना डोर ओपन करो, हेलो तो कर दो, हेलो करो, डोर ओपन करो तब आप दिखोगे, ऐसे थोड़े नहीं आप दिखने वाले हो। अच्छा थोड़ा सा डोर ओपन करो, अपना खोलो तो सब लोग देखे, तो आप यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं निकलना है आपको, यहाँ से निकलो अपना, नहीं फिर से क्लोज हो जाएगा वो, तो यहाँ से आ जाओ, अपना डोर ओपन करो। हेलो काव्या, और अभी कर लो अपना बंद कर लो, और अभी बच्चे जो है रेडी नहीं हुए हैं तो मैं पहले
और यहाँ पर अभी बच्चे रेडी नहीं हुए हैं, तो मैं बच्चों को बाद में रेडी करूंगी। पहले मैं अभी जाने वाली हूँ किचन में, और पहले मैं लंच की थोड़ी सी तैयारी करूंगी, क्योंकि आज मैंने जो ब्रेकफास्ट में पकौड़ियाँ बनाई हैं वो इनको और कार्तिक को इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि इन लोगों ने खा ली, और फिर ये और मांगते रहे और दे दो और दे दो, जबकि मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है, इतने में सबके लिए हो जाएगा, लेकिन ये लोग बोले नहीं मम्मी अभी तो मुझे और भूख लगी है, और चाहिए और चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले थोड़ा सा लंच की तैयारी कर दूँ, उसके बाद बच्चों को रेडी करूँ, क्योंकि बच्चों को नहाने के साथ ही बहुत तेज़ भूख लगती है, फिर ये लोग वेट नहीं करते हैं कि मैं लंच बाद में तैयार करूँगी उसके बाद इनको दूंगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले जाकर अपना लंच रेडी कर लेती हूँ। उससे पहले मैं आपके साथ यहाँ पर कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग देखा था कि मैं शाहदरा घूमने के लिए गई हुई थी, तो मुझे वहाँ से थोड़े से गिफ्ट मिले थे, तो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। आप लोग बाद में बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि मुझे दिखाना, लेकिन मैं भूल ही जाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करना, तो मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाना चाहूँगी। और ये सारे गिफ्ट हैं बच्चों के, जो कि शादरा वाले अंकल जी ने इनको दिए थे। और इस बार ऐसा हुआ है कि ये लोग अपने लिए टॉयज नहीं लाए हैं, बल्कि स्कूल से रिलेटेड अपने लिए चीज़ लाए हैं। तो ये बच्चों का 3-3 पीस के सेट है, जिसमें कि एक वाटर बॉटल है, एक लंच बॉक्स है और एक पेंसिल बॉक्स है। तो मैं ये है काव्या का लंच बॉक्स, ये कार्तिक का है, अच्छा ठीक हाँ। तो ये है काव्या का लंच बॉक्स, इस तरीके से इसमें पिक्चर बनी हुई है। और ये सभी सेट जो है आप मिल्टन के हैं, जो कि 3 पीस का सेट है, और इसमें बस ये साइड से लॉक लगे हुए हैं। ये स्मॉल बेबी के लिए ठीक होते हैं, इसमें अंदर एक डिब्बी है, पेंसिल बोल रही हूँ, स्पून वगैरह फोग ये सब होते हैं, और उसके साथ काव्या का ये एक पेंसिल बॉक्स है, और एक ये वाटर बॉटल है। क्या आप इसको अंदर ले जा रहे हो? नहीं नहीं वहां मत रखो बेटू, लो अपना ले जाओ। और ये है कार्तिक का पेंसिल बॉक्स, कार्तिक ने इस बार डिफरेंट लिया है। और कार्तिक का ये जो पेंसिल बॉक्स है, इसमें यहाँ पर ये कैलकुलेटर इसमें दिया गया है, इस तरीके से इसके अंदर भी है, इसको पलट कर आप पेंसिल बॉक्स के ऊपर इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये आप पेंसिल बॉक्स बंद रखो और ऊपर आ जाता है, और जब पेंसिल बॉक्स इसको बंद करना हो तो ये यहाँ से मूव करेगा, इसको उल्टा कर फिर ये अंदर चला जाता है। उसके ऊपर यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, तो कैलकुलेटर ख़राब नहीं होगा। उसके साथ यहाँ पर एक ये शार्पनर दिया है, शार्पनर 2 दिए हैं, और इसमें पेंसिल स्टैंड करने के लिए चीज़ दी हुई है, और पेंसिल को इस तरीके से लगाने के लिए एक बैग में दी गई है। और कार्तिक ने अपनी वाटर बॉटल भी थोड़ी सी डिफरेंट ली है, इस तरीके की, क्योंकि इसने भाई साहब ने बहुत अच्छे से पैक करके रखा। और ये है कार्तिक की वाटर बॉटल, इसमें यहाँ पर ये हैंग करने के लिए इस तरीके से दिया गया है, इस तरीके से। ये मिल्टन की है तो थोड़ी सी अच्छी है। चलो ठीक है, कोई नहीं, अभी नया सेशन लोगों का स्टार्ट होने वाला है, तो ये सब चीज़ें काम में आने वाली हैं। टॉयज तो पता नहीं कितने ये लोग लाते हैं, और सब टॉयज ख़राब होकर फेंक दिए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बच्चों के गिफ्ट तो आपने देख लिए हैं, और उसके साथ ही मुझे भी आंटी के यहाँ से कुछ गिफ्ट मिला है, वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। और आंटी ने मुझे दी है एक ये डबल बेड की बेडशीट, जैसे कि अभी होली आने वाली है तो मुझे न्यू परचेज करनी पड़ती है, आप लोग भी परचेज कर रहे होंगे, तो मैंने तो अब मैं न्यू बेडशीट परचेज नहीं करूँगी। और ये इस तरीके की है, जैसे इसमें यहाँ पर ये पैटर्न दिया गया है यहाँ पर, और इसकी ये पैकिंग इस तरीके की है, और इसका फैब्रिक जो है कॉटन है। अब मुझे अच्छी लगी ये बेडशीट, इसका कलर कॉम्बिनेशन गर्मी के अकॉर्डिंग अब बहुत अच्छा है, तो अब तो वेदर पूरी तरीके से चेंज हो गया है। और इस बेडशीट के साथ उन्होंने मुझे दिया है थोड़ा सा सिल्वर का भी गिफ्ट, तो सिल्वर में उन्होंने मुझे यहाँ पर दिया है एक पायल है और बिछुए हैं, तो एक पेयर ये बिछुए का है, इस तरीके का आपको दिख रहा होगा, बिछुए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और पायल भी है, पायल भी अच्छी है, और इस तरीके की पायल को हम सूट पर, इसमें अच्छी से आवाज़ भी आ रही है, और ये
प्योर सिल्वर पायल है, इसमें कुछ भी अमीना वगैरह या फिर कोई भी नग वगैरह ऐड नहीं किए गए हैं, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल लाइट वेट है, इसको हम सूट पर पहन सकते हैं। तो ये तो थे मेरे गिफ्ट, और बच्चों के गिफ्ट आपने देख लिए हैं, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मेरी तबीयत पहले से ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ उसी दिन मैंने आपके साथ एक कम्युनिटी और टैप शेयर किया था जिससे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और मुझे लग रहा था कि हाँ मेरी तबीयत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, दो चार दिन मैं आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट डे मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, मुझसे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था। फिर सेकंड डे मैंने अच्छे से रेस्ट किया, उसके बाद फिर कल से मैंने मेरे घर का भी काम स्टार्ट किया, और अपना वीडियोस वगैरह, ये मैंने कल एक छोटा सा वीडियो बनाया था जो कि समर कुर्ती हॉल को लेकर था, और आप लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा लाइक किया और आप लोगों ने मुझे बहुत ही अच्छे कमेंट किए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आज मैं आपके साथ ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं आपके साथ डेली ब्लॉग शेयर कर पाया करूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैं आपके साथ डेली ब्लॉग शेयर करूँ, और यहाँ काव्या पीछे सतानी कर रही है। तो अभी मैं जल्दी से चलती हूँ, पहले मैं किचन में लंच रेडी करती हूँ, उसके बाद इन दोनों को भी रेडी करना है। हाँ बेटा, हाँ दूधू पी लिया, क्या हुआ भूख लग रही है आपको? भूख लगी है? हाँ चलो, तो चलिए जल्दी से चलते हैं। तो अभी मैं बनाऊंगी लंच, तो इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ प्रिपरेशंस है उनको कर रही हूँ। तो मैंने एक ये बाउल में पानी गर्म करने रखा, और पानी बॉईल हो गया है तो इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है ये सोयाबीन बड़ी, और लगभग एक कप बड़ी मैं इस खौलते हुए पानी में डाल दूंगी, और उसके साथ ही गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। मैं यहाँ पर गर्म पानी में बड़ी इसलिए डाल रही हूँ जिससे कि बड़ी जल्दी से फूल जाए, और मुझे लंच बहुत जल्दी बनाकर रेडी करना है। तो ये बड़ी अच्छे से फूल चुकी है, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ प्रिपरेशंस है जिनको मैंने पहले से कर लिया है। तो ये बड़ी का पानी मैंने चेंज कर दिया है, इसमें मैंने ठंडा पानी डाल दिया है, बड़ी काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है। और उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा हरा धनिया कट कर कर रखा है, और उसके बाद मैंने ये दो बॉयल किए हुए आलू हैं इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, और एक ये काफ़ी बड़े साइज़ का प्याज था, आप चाहें तो दो प्याज ले सकते हैं। इसमें मैंने 5-6 लहसुन की कली डालकर इसको प्यूरी बना लिया है, और उसमें अदरक इसमें डालना भूल गई थी तो इसलिए मैंने अदरक ऊपर से ग्रेट कर दिया है। और उसके बाद ये 4 टमाटर और 2 हरी मिर्च की मैंने प्यूरी बनाई है। अगर आपके घर में तीखा थोड़ा ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो फिर आप इसमें हरी मिर्च और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रिपरेशंस तो हो चुकी है, तो अभी हम इन सभी चीज़ों को एक साइड में कर देंगे, और ये जो बड़ी हमने भिगो कर रखी थी इसका पानी मैंने बदल दिया था पहले ही, इसमें मैंने ठंडा पानी डाला हुआ है तो ये बड़ी ठंडी हो चुकी है। तो हम इस तरीके से बड़ी के ठंडी होने के बाद हाथ से दबाते हुए इसके पानी को निकाल देंगे, और बड़ी को हम दूसरी प्लेट में रखते जाएंगे। ये बहुत ही आसानी से निकल जाती है, और ये बहुत सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर लगभग ये सभी बड़ी निकाल दी हैं, तो यहाँ पर ये सभी बड़ी का मैंने पानी निकाल दिया है। तो अब हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करेंगे सब्जी। तो ये एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है, आज मैं रिफाइंड ऑयल में ही सब्जी बना रही हूँ क्योंकि मैंने इसी कढ़ाई में मॉर्निंग में पकौड़ियाँ बनाई थी। तो ये जो बढ़िया है, सबसे पहले हम इन बड़ी को इसी कढ़ाई में डालकर फ्राई करने वाले हैं। तो मैंने सभी बड़ी को कढ़ाई में डाल दिया है, और हम इस तरीके से इसको उलटते पलटते रहेंगे, और हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, और इसको चलाते हुए हम इसका गोल्डन कलर आने तक इसको सेक लेंगे, और बहुत ही जल्दी 2 से 3 मिनट ही लगेंगे आपको इसको गोल्डन कलर लाने में। तो हम इसको इस तरीके से चलाएंगे, और इसका बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये सभी बड़ी एक प्लेट में निकाल ली हैं, और उसके बाद ये जो हमने आलू काट कर रखे थे, ये बॉयल आलू हैं, इनको हम कढ़ाई में डाल देंगे। और मैं यहाँ पर एक एक कर कर पीस डाल रही हूँ क्योंकि इस टाइम जो आलू आ रहा है थोड़ा सा जल्दी घुल जाता है, और हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, और अभी हम इन आलू को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, हम इसको एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाने देंगे, और उसके बाद हम करछी लेकर इस तरीके से इसको धीरे से पलट देंगे। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों से यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहूँगी, मेरी तबीयत ठीक हो गई है लेकिन कोल्ड अभी भी है, तो बीच बीच में मेरा गला चिपक जाता है जिसकी वजह से मेरा साउंड अब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने ये सभी आलू पलट दिए हैं,
और आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये जो नीचे की तरफ हल्का सा चिपका है, तो हम इसको इस तरीके से हटाते हुए इसको निकाल लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल रह गया है और हम इसी में ही सब्जी बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी अब थोड़ी सी हींग, और उसके बाद थोड़ा सा जीरा और 2 करी पत्ता, और उसके साथ ही जो हमने प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था, इसको हम गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। तो यहाँ पर ये प्याज का अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, पता नहीं क्यों आज के कैमरे में थोड़ा ब्लैक सा दिख रहा है, बट ये बिल्कुल भी जला नहीं है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे रेगुलर मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया, लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आपके घर में जैसा भी डालते हो वैसा डालते हुए मसालों को हम इसे अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें जो हमने टमाटर और हरी मिर्च की प्योरी बनाई थी, इसको भी डाल देंगे, और हम इन मसालों को अच्छे से चलाएंगे और इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि मसालों से तेल अलग ना हो जाए। तो थोड़ी ही देर में ये मसाले जो है अच्छे से भून चुके हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी अब इसमें थोड़ा सा पानी। पानी मैं यहाँ पर अभी थोड़ा थोड़ा कर कर डाल रही हूँ, क्योंकि जैसा भी आपको सब्जी खानी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखनी है, पतली रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग पानी डाले। तो अभी ये मसाला मुझे बहुत गाढ़ा लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 कप पानी इसमें ऐड किया है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और उसके साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। और इस सब्जी में थोड़ा सा गरम मसाला ज़्यादा डालिए, गरम मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पर ये आमचूर पाउडर भी डाल दिया है, और हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हम इसे बॉईल होने तक अच्छे से पकने देंगे। लगभग 1 से 1.5 मिनट तक इसको बॉईल कर लीजिए। और उसके बाद हम इसमें यहाँ पर जो हमने आलू है और सोयाबीन की बड़ी को फ्राई कर कर रखा है, उन दोनों ही चीज़ों को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये सब्जी जो है अच्छे से बॉईल हो गई है। उसके बाद ही मैंने इसमें सोयाबीन की बड़ी और जो हमने आलू फ्राई किए थे उनको मैंने डाल दिया है, और हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब हम इसे मिक्स करेंगे तभी हमें ठीक से पता चल पाएगा इसमें कितना पानी रहना चाहिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और उसके बाद अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। इस तरीके से बनकर तैयार हो जाती है टेस्टी सोयाबीन बड़ी आलू की सब्जी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये खाना रेडी कर लिया है, और मैंने इसको सर्व भी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं सब्जी बहुत अच्छी लग रही है, और यहाँ पर मैंने सोयाबीन बड़ी आलू की सब्जी के साथ बूंदी का रायता और चपाती बनाई है। आप चाहें तो इस सब्जी के साथ पराठा भी खा सकते हैं। इस सब्जी को आप लंच में या फिर डिनर में बना सकते हैं, या फिर अचानक घर में मेहमान आ जाए तब भी आप इस सब्जी को बना सकते हैं। आप जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर में बनाकर सबको खिलाइएगा, सबको जरूर पसंद आएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का बटन होता है उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा। आगे मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।